10 साल का बच्चा रोज अपने पापा के साथ पहाड़ी पर सैर करने के लिए जाया करता था। एक दिन जब वो सैर के लिए निकले तब बच्चे ने पापा से कहा, पापा चलिए आज हम दौड़ लगाते हैं, वो चोटी पर पहले जो पहुंचेगा वही विजेता होगा। पापा ने बेटे की बात मान ली और दौड़ शुरू हो गई। कुछ देर दौड़ने के बाद जब पापा अचानक रुक गए, पापा को एक जगह रुका हुआ देखकर बच्चे ने जोर से चिल्लाकर पूछा, क्या हुआ पापा, आप अचानक रुक क्यों गए? पापा ने कहा, अरे कुछ नहीं बेटा, जूतों में कंकड़ आ गया है इसलिए उसे निकालने के लिए रुका हूँ। ये सुनते ही बच्चे ने कहा, क्या पापा, कंकड़ तो मेरे जूतों में भी है लेकिन इन्हें निकालने के लिए अभी मेरे पास वक्त नहीं है। ये कहकर वह दौड़ में आगे बढ़ गया और पापा भी कंकड़ निकाल कर दौड़ने लगे। कुछ देर बाद जब बच्चे को लगा कि उसके पैरों में कंकड़ चुभ रहे हैं, उसे बहुत दर्द होने लगा और उसके दौड़ने की स्पीड भी बहुत कम हो गई। अब पापा उससे आगे निकल गए थे। तभी बच्चा जोरों से चिल्लाया कि अब वह जरा भी नहीं दौड़ सकता। पापा उसके पास आए और जब उसने अपने बेटे का जूता निकाला तो वह खून से लथपथ था, पैरों से खून बह रहा था। वे उसे घर ले गए और मरहम पट्टी करते हुए समझाया कि अगर हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए तो हमें ये कहकर उसे टालना नहीं चाहिए कि अभी टाइम नहीं है, यही प्रॉब्लम आगे जाकर एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है और हमारी असफलताओं का कारण भी बन सकती है। प्रॉब्लम आने पर उसी टाइम उसका सॉल्यूशन कर देना चाहिए।